शर्मा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू में करस्पॉन्ड्स टू, यानी ये डायमेंशन किन किन का हो सकता है। ठीक है, डायमेंशन क्या देख रहा है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो वर्क, फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू होता है और डिस्प्लेसमेंट का एस होता है, राइट, एल वन होता है, राइट। तो इसका वर्क डन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो इसका मतलब वर्क डन का डायमेंशन इस डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का तो एम वन होता है, मोमेंट वेलोसिटी का क्या होता है, एल वन टी माइनस वन। तो देखो ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी ये बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखो, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, राइट। एरिया का क्या होता है, एल टू। तो एल ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। यानी ये इससे, ये डायमेंशन इससे मैच कर रहा है, यानी प्रेशर का डायमेंशन यही है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। यानी ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन चेक करो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। तो एल को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। यानी ये डायमेंशन भी मैच कर रहा है, यानी इसमें दो आंसर सही है, एक तो सी और एक डी। ए और बी का डायमेंशन इससे मैच नहीं कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट कौन सा है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है अपने को, वो करेक्ट कब होगी, डायमेंशनली तो वो करेक्ट होनी चाहिए तभी वो करेक्ट होगी। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन गलत होगी। जैसे मान लो अपना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है। इसमें देखो लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन सेम होगा तो ही ये इक्वेशन सही है। अगर डायमेंशन गलत होंगे, लेफ्ट के राइट के डायमेंशन मैच नहीं कर रहे होंगे, तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। तो क्या बोलेगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट सही है, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। ऐसा हो सकता है क्या, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट वो गलत हो। जैसा देखो f इज इक्वल टू एम ए, ये डायमेंशनली करेक्ट है और इक्वेशन सही है। इसी क्वेश्चन में लिखूँ, देखो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए ये एम वी बाई टी, ये लिखूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका डायमेंशन भी एम वन एल एल वन टी माइनस टू है, इसका डायमेंशन भी एम वन एल वन टी माइनस टू है, बट ये इक्वेशन गलत है। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है बट एम वी बाई टी नहीं होता है। ये डायमेंशनली करेक्ट है बट ऐसी इक्वेशन होती नहीं है, यानी ये इनकरेक्ट है, और डायमेंशनली करेक्ट है बट इक्वेशन इनकरेक्ट है, यानी ये भी सही चीज़ है। थर्ड क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अगर डायमेंशनली करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, तो वो करेक्ट हो सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर डायमेंशन भी गलत, डायमेंशन ही गलत है तो इक्वेशन श्योर है गलत होगी, तो सही नहीं हो सकती, यानी गलत है ये। डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट मे भी इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन गलत ही होगी, डायमेंशन गलत है तो इक्वेशन गलत होगी। ओके, यानी इसमें ए बी और डी आंसर सही है। लास्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, राइट। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो बेस क्वांटिटी होनी चाहिए। बेस क्वांटिटी क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, ये बेस क्वांटिटी है। तो सभी क्वांटिटी को हम इन बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये सही है। अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी, ये भी सही है। अगर इस लेंथ को, ये लेंथ मेरी बेस क्वांटिटी, इसको मैं मास या टाइम या करंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेंथ को इनके टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना मैं, तो ये भी सही चीज़ है। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी, मान लो मैं टाइम लेता हूँ, तो टाइम दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म्स में जीरो होगा, यानी टाइम में एम वन एम भी जीरो होगा, लेंथ भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा, राइट। इस टाइम का डायमेंशन देखो, बाकी सब के रेस्पेक्ट तो जीरो आएगा, यानी ये भी सही चीज़ है। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी
इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज जीरो. लास्ट क्या है, द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी. जीरो हो सकता है, जैसे मान लो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, यानी एल वन टी माइनस वन होता है. तो एम तो जीरो हो गया ना, एम जीरो हो गया ना. इसमें क्या बोल रखा है, द डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी. एम जीरो हो रहा है. उसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है. डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में एल वन होता है बट टी जीरो होता है, एम जीरो होता है. तो टी जीरो और एम जीरो आ रहा है और इसने क्या बोला, नेवर जीरो, यानी ये गलत है. ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए. फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए.